हेलो दोस्तों, मैं हूँ लोबीर। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोबीर की ज्ञान में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन है टेक्निकल सागर, मतलब कि अभिषेक सागर, और उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में बताऊंगा। मैं टेक्निकल सागर के बारे में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो मेरे फेवरेट यूट्यूबर है और आज ये मेरा पहला वीडियो। और मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने कोई भी वीडियो एडिट नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए सिर्फ आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। आप मेरे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इससे रुपया कमाऊँ या फिर कुछ भी करूँ। मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूँ वीडियो, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इससे रुपया कमाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर दें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ये हो कि आपके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए हमारे फेवरेट यूट्यूबर अभिषेक सागर के बारे में बात करते हैं। तो अभिषेक सागर मेरे फेवरेट यूट्यूबर है और मैं उन्हें सबसे ज़्यादा इसलिए लाइक करता हूँ क्योंकि उनके जो भी वीडियो हैं वो इंटरटेनिंग भी होते हैं, टेक्निकल भी होते हैं और बहुत सारे एजुकेशनल पर्पस के उद्देश्य से वो ये वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए मुझे इनकी वीडियो सबसे अच्छी लगती है। और मुझे इनमें इंटरेस्ट ये भी है कि वो हैकिंग के कोर्स भी देते हैं और वो बहुत सारी नॉलेज देते हैं, इसलिए मुझे सबसे फेमस और सबसे अच्छे यूट्यूबर मुझे टेक्निकल सागर लगे यूट्यूब में। चलिए उनके लाइक के बारे में जान लेते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कि उनकी जो टेक्निकल जर्नी है वो 2004 में स्टार्ट हुई। बात है उस समय की जब वो फोर्थ स्टैंडर्ड में थे, तब वो पहली बार उन्होंने देखा कि उनके स्कूल में जो वो स्कूल पढ़ते थे तो उस स्कूल में उनको कंप्यूटर की लैब में दिल ले जाया गया और फिर उन्होंने दिखाया गया कि कंप्यूटर क्या होता है। तो उन्हें जब उन्होंने पहली बार भी ये कंप्यूटर देखा तो उन्हें बहुत ही खुशी मिली और इसके साथ वो आगे बढ़ते गए। फिर कुछ साल बाद उन्हें एक फ़ोन ला के दिया गया। उन्होंने फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें सर्च की और फिर उन्हें सर्च कर करके उन्हें बहुत सारी नॉलेज जो प्राप्त हुई। और फिर उन्होंने साइबर कैफे भी कभी कभी जाया करते थे, तो वहाँ पे 10-15 रुपए देकर या 25 रुपए देकर, जो भी रुपए देते होंगे वो रुपए देकर वो 1 घंटे या 1.5 घंटे जो भी सीखते थे वो सीखते थे और वहाँ पे डाटा यूज करते थे, नेट यूज करते थे क्योंकि उस समय इंटरनेट का कनेक्शन जो वो बहुत स्लो था। तो फिर ऐसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती गई और फिर एक समय वो आया जब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है उनकी कि एक बार वो साइबर कैफे में बैठे थे तो साइबर कैफे वाले पहले सिखाया करते थे कुछ स्टूडेंट को, तो वो सीख बस अपना ऐसे चलाने के लिए कहते। तो वहाँ पर कोई मतलब कि इंसान आया तो उन्होंने पूछा, एक आदमी थे तो उन्होंने पूछा उनके स्टूडेंट्स की MSDOS बारे में या फिर और जो क्वेश्चन पूछे होंगे मुझे पता नहीं रहते क्लियर, तो जो पूछे होंगे तो स्टूडेंट जो थे तो उन्हें इतना आता नहीं था। और ये टेक्निकल सागर के ओनर मतलब अभिषेक सागर भी वहाँ पर बैठे थे, तो उन्हें जब क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए जबकि वो सीखते भी नहीं थे। तो इसका मतलब है कि वो अपने खुद के नॉलेज गेन करके एक अपना नॉलेज प्राप्त कर चुके थे कि वो सभी क्वेश्चन आसानी से बता सकते थे कि उनका हल क्या है। या वो उन्हें हैकिंग में इंटरेस्ट कब से आया मैं भी आपको बताता हूँ। उन्हें हैकिंग में इंटरेस्ट तब से आया, एक बार वो नोकिया की एक कोई कंपनी थी तो उसमें फ्री डाटा यूज करते करते थे और उसमें चैट रूम था। तो एक बार उन्हें एक कोई लड़का मिला होगा उनसे बड़ा होगा, तो
वो जब मिला तो उसने कहा कि मैं सभी के आइडिया कर सकता हूँ उससे। तो मतलब कि जो अभिषेक सागर थे उन्होंने कहा भैया ठीक आइडिया करके दिखा दो। वैसे तो उन्हें कुछ पता नहीं था उसमें, तो ठीक है देखेंगे अच्छा क्या होगा देखेंगे फिर। तो उनकी उस लड़के ने आइडिया कर दी और सारे सब डिटेल सब कलेक्ट कर दिए, तो ये काफी दुखी हो गए। और उन्हें ये भी अच्छा लगा कि अब मुझे ये सीखने को मिलेगा। और फिर उन्होंने उस लड़के से जिद की कि मुझे भी सिखाओ ये कैसे होता है, मैं राइटिंग में इंटरेस्ट तभी से आया। और फिर वो आगे बढ़ते गए और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उस लड़के ने काफी जिद के बाद उन्हें सिखाया कि वो कैसे हैकिंग करता है। फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और नॉलेज गेन करते गए। और फिर कुछ समय बाद इन्होंने अपनी वीडियोस डाली। शुरू में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन कुछ वीडियोस के बाद उन्हें अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलने लगा और धीरे धीरे वो फेमस हो गए। और उनको हैकिंग के लिए भी एक बहुत ही फेमस माना जाता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी में कोई लगन है आप में भी, तो आप भी आसानी से वो गेन कर सकते हैं, बस आपको मेहनत करनी होगी। जैसे कि हमारे बेस्ट यूट्यूबर अभिषेक सागर ने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को यहीं से पॉज करते हैं और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूँ आपका अपना लवीर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रविंदर ज्ञान में। आने वाली वीडियो जल्दी आपके पास आएंगी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।